एक आम आदमी को अपने घर की साज सज्जा पर लाखों खर्च करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा पर पिछले दो साल में करोड़ों खर्च कर दिए गए। कांग्रेस विधायक के एक सवाल पर विधानसभा में यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने दी है। बताया गया है कि सबसे ज्यादा अतिरिक्त निर्माण और साज सज्जा पर खर्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगलों पर हुआ है। सीएम KB6 सिविल लाइन बंगले पर 2,16,00,000 और 74 बंगले स्थित बंगले B8 पर 1,26,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार को भले ही खर्च चलाने के लिए लगातार बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा हो, लेकिन मंत्रियों के बंगलों पर जमकर खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस ने इन खर्चों को जनता के धन का दुरुपयोग बताया है। देखिए, जिस प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बेहाल हो, जिस प्रदेश को कुपोषण का कलंक झेलना पड़ रहा हो, जिस प्रदेश में गरीब मजदूर की हालत खराब हो, उस प्रदेश में अगर मंत्री करोड़ों रुपए की साज सज्जा के साथ अपने बंगलों का निर्माण करें तो इसमें मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मंत्रियों ने करोड़ों रुपए बंगले में लगाए, करोड़ों रुपए आलीशान ढंग से उसमें खर्च किए गए, आलीशान बनाने में खर्च किए गए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उस प्रदेश के लिए जिसके ऊपर कर्ज है, जो लगातार कर्ज लेता जा रहा है, ठीक उचित नहीं है। इस पर निश्चित तौर पर रोक लगना चाहिए। यह है टॉप 10 खर्च वाले मंत्रियों के बंगले। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री का बंगला C5 74, कुल 85,38,000 रुपए खर्च हुए। इसमें 50,00,000 का अतिरिक्त निर्माण, 17,00,000 का विशेष मरम्मत और साज सज्जा पर 6,22,000 खर्च हुए। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री का बंगला B6 4 इमली, कुल खर्च हुए 84,83,000। रिपीट 84,43,000। इसमें साज सज्जा पर 1,00,000 रुपए, अतिरिक्त निर्माण पर 78,62,000 और रंग रोगन पर 4,75,000 रुपए। गोपाल भार्गव PWD मंत्री का बंगला B1 74 बंगला, कुल खर्च हुए 70,14,000। इसमें 8,74,000 साज सज्जा पर, 55,00,000 रुपए अतिरिक्त निर्माण पर, रख रखाव पर 4,36,000 और रंग रोगन पर 1,97,000 रुपए खर्च हुए। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री का बंगला C2 74 बंगला, कुल खर्च 65,90,000। इसमें 1,99,000 रुपए साज सज्जा पर, 28,92,000 रुपए अतिरिक्त निर्माण मरम्मत पर, 22,98,000 रख रखाव पर 11,39,000 खर्च हुए। सुरेश धाकर राज्य मंत्री का बंगला C8 74 बंगला, कुल खर्च 60,02,000। इसमें 11,38,000 साज सज्जा पर, 21,00,000 अतिरिक्त निर्माण, 26,00,000 विशेष मरम्मत पर खर्च हुए। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री का बंगला B17 4 इमली, कुल खर्च 60,63,000। इसमें साज सज्जा पर 2,00,000 रुपए, 38,36,000 मरम्मत, 15,46,000 रख रखाव पर और 4,75,000 रुपए रंग रोगन पर खर्च हुआ। मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री का बंगला D-टाइप विंध्य कोठी, कुल खर्च 60,00,000। इसमें 9,85,000 रुपए साज सज्जा पर खर्च हुए, 7,39,000 रुपए अतिरिक्त निर्माण पर खर्च, 12,95,000 मरम्मत कार्य, 26,00,000 रुपए रख रखाव और 2,77,000 रंग रोगन पर खर्च हुए। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री का बंगला B25 74 बंगला, कुल खर्च 54,38,000। इसमें 1,74,000 साज सज्जा पर, 47,98,000 मरम्मत पर, 2,57,000 रख रखाव और 2,66,000 रंग रोगन पर खर्च हुए। ओम प्रकाश सकलेजा MSME मंत्री का बंगला 7 सिविल लाइन, कुल खर्च 44,85,000। इसमें 8,18,000 साज सज्जा पर, 19,60,000 मरम्मत पर, 4,38,000 मरम्मत पर, 12,69,000 रंग रोगन पर खर्च किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 74 बंगले स्थित B8 बंगले को बड़ा और आलीशान बनाया जा रहा है। ये वही बंगला है जहां 2018 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 15 महीने शिवराज सिंह चौहान ने अपना ठिकाना बनाया था। ये बंगला उन्हीं के नाम पर है। अब इस बंगले में पड़ोस का एक और बंगला B9 जोड़ा जा रहा है। B9 को जमींदोज कर बंगले का नया निर्माण हो रहा है। इसमें हैरानी की बात यह है कि 74 बंगले इलाके में 32 B-टाइप बंगले हैं, जिनमें से बी
9 को तोड़ने के लिए उसे जर्जर घोषित कर दिया गया। 32 बंगलों में सिर्फ B9 ही जर्जर यानी कंडम नजर आया। कलेक्टर के आदेश के बाद उसे तोड़ दिया गया। अब B8 और B9 मिलकर शिवराज सिंह चौहान का नया बंगला तैयार हो रहा है। इस सबके बावजूद बीजेपी इसे जायज खर्च बता रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची हुई है। शायद कांग्रेस उसके पहले अपना 15 महीने का कार्यकाल भूल गई है, जिसके जो आंकड़े आए थे, एक एक बंगलों पे करोड़ों रुपए का खर्च, तमाम नेताओं के बंगलों के खर्च सामने आए थे, करोड़ों रुपए का खर्च। यहाँ तो यशोधरा राजे सिंधिया का देखो मंत्री हैं, 17,000 का खर्च, वहाँ तो एक एक बंगलों पे पूरे बंगलों की दशा दिशा ही बदल दी। और ऐसा बनाया था कि जैसे वर्षों के लिए काबिज हो गए बंगलों पे, 15 महीने में रुखसत हो गई, लेकिन जो करोड़ों रुपए उन्होंने प्रदेश के खजाने से लुटाए थे उसकी गवाह जनता है। तो पहले कांग्रेस अपने आईने में देखे, फिर दूसरों पे पत्थर मारे। माले मुफ्त दिले बेरहम, कुछ ऐसा ही हो रहा है एमपी में। कर्ज लेकर घी पीने वाली एमपी सरकार के शाही खर्चों पर कोई लगाम नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि बंगले को चमकाने में सबसे ज्यादा खर्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही किया है। श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास की साज सज्जा और रख रखाव पर 2,16,00,000 खर्च किए गए हैं। इसके अलावा सीएम हाउस में नवीन भवन कार्यालय निर्माण और विद्युतीकरण पर 22 करोड़ रुपए खर्च हुए। सीएम हाउस में ही पार्किंग और साइट डेवलपमेंट पर 40,00,000 रुपए व्यय हुए। जब बंगलों को आलिशान बनाने में सीएम ही पीछे नहीं तो मंत्री कहाँ रहने वाले थे। भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट।